मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरु देव के चरणों में कोटि से वंदन, सभी संतों के चरणों में वंदन, साधु श्री के चरणों में वंदन, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ऐसे समागम में पहुंचे हुए सभी भाई। राम का नाम अपरम पार है, उसको लेते ही बेड़ा पार है। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। राम नाम की महिमा को गाते हुए मुझे आज एक कहानी याद आ रही है। एक बार कबीरदास जी किसी गांव में जा रहे थे, चलते चलते रात पड़ गई, पड़ाव दूर था। रास्ते में एक गांव पड़ा, अच्छा जमाना था, आदमी को आदमी पे विश्वास था। वे कुटिया के आगे रुके और कहने लगे, माई मैंने अगले गांव जाना था, लेकिन रास्ता थोड़ा दूर है, रात हो गई, आज का पड़ाव मैं आपके घर डाल लूँ। कुटिया ने कहा, क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो, आराम करो, भोजन करो। अच्छा समय था, बहुत ही अच्छा समय था, इंसान को इंसान पहचानता था। अम्मा ने खाना खिलाया, सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। बुढ़िया 4 बजे उठकर चक्की चलाना शुरू कर दिया। कबीरदास जी की नींद खुली, जितने भी दाने मुट्ठी भर के डालती है चक्की में, सबके सब पीस रहे। कबीरदास जी ने रोना शुरू कर दिया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। बढ़िया बड़ी हैरान हुई, कहने लगी, बेटे क्यों रो रहे हो? ये मैया, तुम्हारी पिसते हुए गेहूं के दाने को देखकर मेरे मन में आंसू आ गए। जिंदगी का भी यही सार है, जीवन और मौत के बीच में कोई भी नहीं बचेगा। बुढ़िया बहुत होशियार थी, उन्होंने पहला पाट उठाया और दिखाया, पर कहने लगी, क्या चलती चाकी चलन दे, ओ पिस पिस मैदा हो, किले से जुड़े रहो, बाल ना बांका हो। कहने लगी, बेटा देखिए ये दाने बचे हुए हैं, ये नहीं पीसे हैं, ये वे दाने हैं जो किले के साथ जुड़े हैं। हमारी जिंदगी का भी एक किला है। कबीरदास जी कहने लगे, माई कौन सा किला? हमारा धर्म, हमारा अस्तित्व, हमारी होंद, हमारा ज्ञान कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आज भी हूँ कल भी रहूँगा। हमारा आनंद, हमारी खुशी और हमारा मन के साथ जुड़ना, अपने साथ जुड़ना। जिसने अपने आप को पा लिया उसने जहान को पा लिया। फिर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहते हैं जिंदगी में घटना एक ही क्षण में घटती है। कब कोई बाल्यभील रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाए कोई नहीं जानता, आदि कवि बन जाए कोई नहीं जानता। उंगली मार हत्यारा सारे नगर में आतंक फैला रखा था, अजात शत्रु की पूरी सेना परास्त हो चुकी थी। वह रोज मार कर अपनी गले में उंगलियां डालता था। एक दिन महात्मा बुद्ध के कदम उधर पड़ गए, सब शिष्यों ने साथ छोड़ दिया।
ओ गुरुदेव किधर जा रहे हो, वहाँ उंगली मार हत्यारा रहता है। कहते अब कदम उठ गए, अब मैं बढ़ चला हूँ, कौन रहता है कौन नहीं रहता इसकी कोई परवाह नहीं। आगे से उंगली मार बोला ठहरो। महात्मा बुद्ध बोले अरे भाई मैं तो कब का ठहर चुका हूँ, तुम कब ठहरोगे। कहते कैसे। कहता सुनिए, और ये बात सुनने की हमारे लिए भी है, मनुष्य मन के आधार पर चलता है, मेरा मन शांत हो चुका है पर तुम तो अभी भी संकल्प विकल्प करते रहते हो, उसको मारना है उसको भगाना है उसकी उंगली को गले में डालना है, उंगली मार मैं तो ठहर गया हूँ तुम कब ठहरोगे। उस समय वह अपने परसे पे घन लगा रहा था, घन लगाते हुए बोला हाँ बात तो तुम पते की कह रही हो पर मैं तुम्हें मारूंगा। महात्मा बुद्ध बोले मार लेना, मैं यहीं खड़ा हूँ कहीं नहीं जाता, पर एक छोटा सा काम मेरा भी कर जाओ। कहते क्या काम है। कहते इस पेड़ की टहनी तोड़कर मुझे दे दीजिए। अरे वाह ये भी कोई काम है, मैं अभी देता हूँ। उंगली मार ने परसा उठाया, टहनी तोड़ी और महात्मा बुद्ध को देने लगा। महात्मा बुद्ध बोले अभी एक काम और कर दीजिए। कहते क्या। इस टहनी को वापस लगा दीजिए, पागल खाने से आए हो पागल हो गए हो, टूटी टहनी जुड़ती है क्या। महात्मा बुद्ध बोले मैंने सोचा तू तो बहादुर है शेर है, तुम तो डरपोक निकला, अरे तोड़ना जानता जोड़ना नहीं जानता। कहता जुड़ता भी है। महात्मा बुद्ध ने टहनी हाथ में ली, टहनी पेड़ से जा जुड़ी और कहने लगे उंगली मार जो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने मन से जुड़ जाता है, अपने किले से जुड़ जाता है, अपने धर्म से जुड़ जाता है, अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है वह तो दुनिया को जोड़ सकता है, उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कह कबीर पीपाइये मन ही की प्रतीत। सो अपने आप से जुड़ना सीखो, अपनी आत्मा से जुड़ना सीखो, अपने मन से जुड़ना सीखो। उंगली मार एक क्षण में बदल गया, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। मुझे भी ज्ञान दो मुझे भी बुद्धत्व दो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। चारों तरफ ये नारे लगने लगे। आजाद शत्रु अपनी सेना को लेकर उंगली मार को मारने के लिए दौड़ा। महात्मा बुद्ध बोले किसको मारोगे कौन है मारने के लिए, पार्श्विक वृत्तियां मर चुकी हैं, सात्विक वृत्तियां उजागर हो गई हैं, उंगली मार मर चुका है और इसका अंदर का देवता जाग चुका है, इसका अंदर का आनंद जाग चुका है, एक बुद्ध पुरुष और पैदा हो गया है। सो हमें भी आज यही परिवर्तन लाना है, इस समाज में फैले हुए अहंकार को मिटाना है। और आदमी में अहंकार भी किस चीज़ का, एक बार एक ने मिट्टी के घड़े से पूछा अरे मिट्टी के घड़े तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मिट्टी के घड़े ने जो उत्तर दिया वो हम सबके सुनने लायक है। मिट्टी का घड़ा बोला जिसका भूत जिसका वर्तमान और जिसका भविष्य मिट्टी हो उसको अहंकार कैसा, वो तो शांत ही रहेगा। तो काय करे अभिमान खिलौना माटी का, वक्त बड़ा बलवान खिलौना माटी का, संसार मुसाफिर खाना है एक दिन तो उठकर जाना है, बनकर आए मेहमान खिलौना माटी का। तूने पैसा खूब कमाया अंत समय तेरे काम न आया, कर जीवन का कल्याण खिलौना माटी का। जीवन बड़ा अनमोल है प्राणी तूने इसकी कदर न जानी, जरा खुद को ले पहचान। और मैं आज का ये मेरा प्रवचन खुद के पहचानने के लिए प्रेरित करता है, जरा खुद को ले पहचान खिलौना माटी का। तू काए करे अभिमान खिलौना माटी का। सागर गहरा नाव पुरानी, मुश्किल तरता है कोई प्राणी, तू सोया चादर तान खिलौना माटी का। तू काय करे अभिमान खिलौना माटी का, ए वक्त बड़ा बलवान खिलौना माटी का। तो हमें भी अपने किले से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है,
और प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं एक भजन भी गाऊंगी ताकि तुम जीवन की असलियत जान सको। जग संगीत सभा में जीवन साजन कर बेकार, भूले हुए गायक अब तो साज सवार। तुझे विदाता ने ये जीवन साज दिया है, कपट उंगली छू तूने बेसुरा किया है। गाना था ओंकार गीत और गा बैठा हंकार, भूले हुए राही अब तो साज सवार। तूने भरने थे भक्ति के मधुर तराने, तूने भर दिए राग और विरलाप के गाने। मारन राग को छोड़ के अब भी, मारन राग को छोड़ के अब भी गाले राग मेलार, भूले हुए गायक अब तो साज सवार। कृष्ण राग अलाप ता तो कल्याण होती, तू अलापता रहा झंझोटों की झंझोटी। तृष्णा के तारों पर कैसे, तृष्णा के तारों पर कैसे बजे राग मेलार, भूले हुए गायक अब तो साज सवार। पहले जीवन साज पे बचपन राग अलापा, फिर मद मस्त जवानी बाद विहाग बुढ़ापा। खेंचा तानी में साज के, खेंचा तानी में साज के ढीले पड़ गए तार, भूले हुए गायक अब तो साज संभार। तुझे विधाता ने ये जीवन उधार दिया है, नत्था सिंह इतबार भी तूने मार दिया है। नेक कमाई से कर जाई, नेक कमाई से कर जाई एको किस्त उतार, ओ भूले हुए गायक अब तो साज सवार। ओ भूले हुए गायक अब तो साज सवार, ओ भूले हुए गायक अब तो साज सवार। कोई हंस के मरा, कोई रो कर मरा, जिंदगी उसने पाई जो होकर मरा। जिसकी प्रभु पे थी नजर वो सर्वस होकर भी अमर होकर मरा, अमर होकर मरा। अमर होने की कहानी आपके दिल में, आपके हृदय में जम जाए इसी आशा के साथ।